पता नहीं क्यों ये सब करने का मन क्यों किया, लेकिन हाँ इस वीडियो के लास्ट तक मैंने वीडियोस डाल दिए, तो वीडियोस को देखना मत भूलना। तो चलो बाय। अब तो गाइस तुम जैसे जानते हो 2D का जमाना चला गया है, अब जमाना है 3D का। तुम एक मूवी भी देखते हो तो 3D में देखना चाहते हो, थिएटर हॉल में जाके, या फिर जो घर में बैठ के VR का यूज़ करते हो 3D में देखने के लिए, एक्सपीरियंस करने के लिए वीडियोज़ को। तो उसी तरीके से अगर तुम्हें एक 3D मैप मिल जाए तो कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा ना, तुम सारी चीज़ों को 3D में देख पाओगे, इधर उधर मतलब कौन सी चीज़ कहाँ पे अच्छी तरह से एक्सपीरियंस कर पाओगे। तो गाइस इसी के ऊपर आज बात करेंगे, उसी के बारे में बात करूँगा और बताऊँगा किस तरीके से वो कर सकते हो, अपने फ़ोन के अंदर ही कर सकते हो या फिर जो PC लैपटॉप उसी के वहाँ पे भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मेरे पास फ़ोन है तो मैं फ़ोन के बारे में बताऊँगा, बाकी यार सेम प्रोसेस है, उसी तरीके से करोगे तो 3D में आपको मैप मिलेंगे और सारी चीज़ें आप 3D में देख पाओगे। तो बाकी में बहुत इंटरेस्टिंग सा वीडियो होने वाले आज की वीडियो, तो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ठीक है, तो पहले वीडियो को देख लो अच्छी तरह से, पसंद आए तभी ये सब करना है, बाकी यार डिसलाइक के साथ यार मुझे कमेंट भी कर सकते हो। ठीक है, आई मीन डिसलाइक। तो चलो आज के इस वीडियो को शुरू कर देते हैं। I got broads in Atlanta, just to be in the family, credit cards and the scammers, getting the looks in the band, legacies. तो गाइस अपनी धरती माता को 3D में एक्सपीरियंस करने के लिए या फिर अपनी भारत माता को 3D में एक्सपीरियंस करने के लिए आपको सिंपल सी तीन चीज़ों की जरूरत पड़ने वाली है। पहला चीज़ आपको एक डिवाइस की जरूरत पड़ने वाली है जहाँ पे इंटरनेट की सुविधा मतलब इंटरनेट चले। दूसरी चीज़ आपको इंटरनेट की जरूरत पड़ने वाली डेफिनेटली। और तीसरी चीज़ जो कि है एक छोटी सी लिंक जो कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जाके वो जो लिंक है वो टैप करते ही आप रीडायरेक्ट हो जाओगे उस मैप की तरफ, तो आप तो वहाँ पे पहुँच जाओगे। लेकिन कैसे किस तरह से इस्तेमाल करनी है आप शायद ही जानते हो, इसलिए मैं आपको बता देना चाहता हूँ अच्छी तरह से, ताकि आप जान पाओ किस तरीके से इस्तेमाल करनी है 3D में, आप देख सको सभी चीज़ों को। तो सिंपल सी उसके लिए क्या करनी है, लिंक पर टैप करनी है, उसके बाद पहुँच जाओगे तरीके से इस वाली वेबसाइट के अंदर या फिर मैप के अंदर। तो गाइस ये जो मैप है, जो वेबसाइट है इसरो की है, ठीक है, मैप वेबसाइट जो भी कह लो। तो बाकी यार इसरो के बारे में अगर नहीं जानते हो कौन है, नहीं जानते हो क्या कुछ है, तो उसके बारे में आप गूगल कर सकते हो, अच्छी तरह से मतलब इसरो के बारे में जान सकते हो। तो अभी बात करते हैं मेन फीचर्स के बारे में। पहली चीज़ आपको यहाँ पर क्या करनी है, जो वूबन 3D वाली ऑप्शन है वहाँ पर सिंपली टैप करनी है, 2D में टैप मत करना आपको, सिंपली 3D में टैप करनी है। टैप करिए आपको कुछ इस तरह का आपको देखने को मिल जाए, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हो, इसके इस तरह का आपको मतलब एक धरती देखने को मिलता है। उसके अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारे बटन सपोज साइड में देखने को मिल जाते हैं। बाकी जो ये चीज़ें है 3D मॉडल है आर्ट की, ठीक है, जो आर्ट है आप रोटेट करके अच्छी तरह से देख सकते हो और अपनी थंब से ही कर सकते हो डेफिनेटली। और उसके बाद साइड में कुछ जूम इन जूम आउट करने के लिए बटन है, ऊपर नीचे भी बटन से कुछ आपको सिंपल से क्या करनी है, जो जूम इन जूम आउट वही बटन आप यूज़ कर सकते हो, बाकी अपनी उंगली से भी मैनुअली कर सकते हो। तो उसके लिए क्या करनी है, डोटी के तो आप मतलब अच्छे से देख ही पाओगे, यहाँ पे रोटेट करके हर एक कोने को आप देख सकते हो अच्छे से, जूम इन करके खुद से। आप गूगल मैप यूज़ करते हो तो डेफिनेटली जानते हो किस तरह जूम इन जूम आउट करनी है। और इसके अलावा आप नहीं जानते तो जो प्लस माइनस जो आइकन है यहाँ पर सिंपल जी प्लस वाली आइकन पर टैप करके जाओगे तो जूम इन हो जाएंगे, माइनस वाली आइकन पर टैप करके तो जूम आउट हो जाएंगे। तो बाकी अभी बात करते हैं जो मेन चीज़ 3D में कैसे देख सकते हो, सिंपल जी उसके लिए क्या करनी है आपको, जो इन दोनों उंगली है इनसे आपको इस वीडियो को थम्स अप कर देनी है। ठीक है, मजाक कर रहा हूँ, ऐसा कुछ नहीं, लेकिन अगर वीडियो पसंद है थम्स अप जरूर करना। बाकी यार इन दोनों उंगली से आपको स्वाइप अप कर दिए, तो स्वाइप अप कर दिए जो 3D अवेलेबल हो जाएंगे, 3D मॉडल ऑलरेडी है ही, लेकिन स्वाइप अप करने के बाद जो 3D में आप अच्छी तरह से चीज़ों को देख पाओगे। बाकी एक शॉर्टकट है जो यहाँ पर एक आइकन बार बार दिखाई देते हैं, वहाँ पर टैप करके तो वहाँ पर से आप डायरेक्ट जाके देख सकते हो सिंपल सी वन क्लिक में। बाकी यार देखो ये जो चीज़ें इसरो की है, ठीक है, तो इसलिए आपको जो धरती के बाकी कोने के मुकाबले आपको जो इंडिया अच्छी तरह से आप यहाँ से एक्सपीरियंस कर सकते हो। और हर एक चीज़ को आप मतलब 3D में तो नहीं देख सकते हो, लेकिन जो माउंटेन्स हिल्स वगैरह है आप अच्छी तरह से 3D में एक्सपीरियंस कर पाते हो। तो ये थे आज के वीडियो के अंदर। बाकी यार जो वेबसाइट अगर यूज़ नहीं करना चाहते हो, एक एप्लीकेशन है जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन दे दूंगा, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा जो वेबसाइट या फिर जो यहाँ पर लिंक है वहाँ पर टैप करके आप जाओ, क्योंकि यहाँ पर अच्छी मतलब बहुत सारी फीचर्स आपको देखने को मिल जाते हैं। बाकी यार वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना। आप यहाँ पर बहुत ज़रा वाइन भी चल रहे हैं, मतलब हवा चल रही है तो नॉइज़ वगैरह भी आ सकते हैं वीडियो के अंदर, अगर आ रही है तो यार माफ़ करना। ठीक है, बाकी मेरे पास कोई चारा भी नहीं है, तो बस आज के वीडियो में बस इतना ही। तो वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताना, वीडियो पसंद है लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना मेरे भाई। तो मैं मिलूंगा नेक्स्ट बढ़िया वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, सी यू, टेक केयर गाइस। सो गाइस यार अपनी धरती तो है गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज के इस वीडियो में बात करेंगे
तो है गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस आज के वीडियो में बात करेंगे दो मॉडल। सो है गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस 3D का जमाना यार 3D का जमाना। सो है गाइस वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। तो गाइस 2D का जमाना चला गया, अभी है 3D का जमाना। अबे चल। 'Cause I just wanna go, go.